फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी केरल, डी पंजाब। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर के होटल नवनीत में पुलिस की छापेमारी, दो युवक युवती गिरफ्तार। भागलपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के एमपी द्विवेदी रोड में अवस्थित नवनीत होटल में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। वहीं इस दौरान पुलिस ने होटल के दो अलग अलग कमरे से चंदन राज और मोहम्मद एहसान को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने कमरे से दवाई सहित कई प्रतिबंधित सामान को बरामद किया है। पुलिस ने इस दौरान दो लड़कियों को भी देह व्यापार में के चंगुल से मुक्त करा लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने होटल मैनेजर नंदन कुमार झा को गिरफ्तार किया है, जबकि होटल का मालिक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इस संबंध में सिटी एसपी ने बताया कि दोनों लड़कियों को उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा, जबकि गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पुलिस देह व्यापार अधिनियम के तहत जेल भेज दिया है। लगातार देखिए, अभी लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्स आई हुई है और जो लगातार एसएसपी सब फोर्स लगातार जांच कर रही है और हम खुद देख भी रहे हैं, हर स्टॉप चौराहे पे, हर एंट्री पॉइंट पे पूरी पुलिस और बल वहाँ पर चेक कर रही है और छापामारी भी की जा रही है। सूचना पे थाना प्रभारी, पहला थाना प्रभारी, अन्य पुलिसकर्मी तक वहाँ रेड वहाँ किए हैं। रेड क्रम में कुछ गिरफ्तारियाँ हुई, एफआईआर दर्ज की जा रही है। कितने लोग बरामद हुए? क्योंकि इसमें जो केस हो रहा है, होटल मालिक पे केस हो रहा है और जो होटल का जो ये था मैनेजर और जो दो पुरुष पकड़े गए हैं उन पर केस हो रहा है। देवपार का मामला है क्या? कानून जांच हो जाएगी सर। चुनाव को लेकर जो छापेमारी, नवगछिया नामांकन को लेकर तैयारी पूरी। गोपालपुर और बिहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए आज से भरे जाएंगे पर्चे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बिहपुर एवं गोपालपुर विधानसभा के लिए प्रत्याशी का नामांकन शुक्रवार से आरंभ होना है। नामांकन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर तक है। नामांकन को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। अनुमंडल कार्यालय के चारों तरफ बैरिकेटिंग कर दिया गया है। अनुमंडल प्रशासन स्तर से नामांकन को लेकर 8 स्थानों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। गुरुवार को एसडीओ अखिलेश कुमार, एसडीपीओ दिलीप कुमार ने की गई तैयारी का निरीक्षण किया है। अखिलेश कुमार ने कहा कि नामांकन की प्रक्रिया को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने इस अवसर पर विधि व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने एवं कोविड-19 दृष्टिगत अपील की है। नामांकन में आने वाले समर्थकों को बिना मास्क के नहीं आना है, सामाजिक दूरी का पालन करना है। नामांकन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति जो वाहन से आएंगे उन्हें निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश का पालन करते हुए मकनपुर चौक से उपकारा नौगछिया के पीछे वाले रास्ते से प्रवेश करेंगे। वाहन उपकारा के सामने बने गेट नंबर 1 के बाहर ही रखेंगे। गेट नंबर 1 से अभ्यर्थी को अधिकतम 2 वाहनों का प्रवेश दिया जाएगा, जिसे गेट नंबर 2 या 3 तक आएंगे। गेट नंबर 2 से बिहपुर विधानसभा के प्रत्याशी एवं गेट नंबर 3 से गोपालपुर विधानसभा के प्रत्याशी अपने 2 प्रस्तावक के साथ पैदल नामांकन कक्ष तक आएंगे। अनुमंडल कार्यालय के सामने NH-31 मुख्य गेट से सिर्फ कार्यालय वाहन, पुलिस वाहन एवं न्यायालय वाहन को प्रवेश की अनुमति होगी। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि नामांकन अवधि के दौरान नवगछिया उपकारा के बगल से वाहनों का प्रवेश होते हुए बार एसोसिएशन की ओर जाने वाले रास्ते से होते हुए NH-31 की ओर निकल जाएगी। इस अवधि में यह मार्ग वन वे रहेगा। नवगछिया में भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। नवगछिया संगठन के कार्यों की सराहना प्रदेश स्तर पर। नवगछिया स्थित भाजपा कार्यालय में भाजयुमो जिला कार्य समिति का बैठक किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने संगठनात्मक कार्यों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि आज का युवा कल का भाजपा है। युवा मोर्चा कोरोना काल में मानव मात्र की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा संगठन हित में प्रदेश से लेकर जिला तथा जिला से लेकर मंडल एवं शक्ति केंद्रों और बूथ स्तरों तक पार्टी को मजबूत करने में अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं कार्यक्रम को बिहपुर के पूर्व विधायक इंजीनियर कुमार सैलन, भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति सदस्य गौरव कुमार, मिथिलेश मंडल सहित कई अन्य
अपने उपस्थिति से कार्यक्रम को सुसज्जित किया। वन प्राणी सप्ताह पर जिला वन अधिकारी ने नौगछिया के गंगा प्रहरी ज्ञानचंद्र ज्ञानी को किया सम्मानित। वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर जिला वन अधिकारी भागलपुर एस सुधाकरन ने भागलपुर स्थित अनन्य भवन में नवोचन मंडल के प्रमुख गंगा प्रहरी ज्ञानचंद्र ज्ञानी को जलीय जैव विविधता संरक्षण कार्य हेतु मोमेंटो देकर सम्मानित किया है। मौके पर जिला स्तर के कई पदाधिकारी व वन कर्मी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर शोक। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर नौगछिया लोजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। केंद्रीय मंत्री के निधन पर नौगछिया लोजपा जिलाध्यक्ष प्रोफेसर विभांशु मंडल सहित पार्टी की जिला प्रभारी विनीता सिंह, सीपक यादव, अशोक यादव सहित कई अन्य ने शोक संवेदना व्यक्त किया है। नौगछिया के जख बाबा स्थान के पास पोखर से दो बच्चों का शव बरामद। नौगछिया रेलवे ट्रैक के पास जख बाबा स्थान के समीप पोखर में गुरुवार की सुबह दो बच्चों का शव बरामद किया गया है। देर शाम दोनों बच्चों की पहचान नौगछिया के प्रोफेसर कॉलोनी निवासी स्वर्गीय ईश्वर पासवान की 9 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी कुमारी और खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के नीरज चौधरी के पुत्र हिमांशु कुमार हैं। सुबह जैसे ही पोखर में दो बच्चों के शव मिलने की सूचना आई कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना रेल पुलिस को दी। मौके पर पहुंची रेल पुलिस ने शव को स्थानीय लोगों की सहायता से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। इधर देर शाम सूचना मिलने के बाद नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे मृतक के परिजनों ने दोनों बच्चों की शिनाख्त की है। दोनों बच्चों के परिजन ने बताया कि दोनों बच्चे बुधवार की दोपहर बाद घर से मछली मारने कचहरी मैदान जाने की बात कह घर से निकले थे। जब बच्चे देर शाम तक घर नहीं आए तो दोनों बच्चों के परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन दोनों का कुछ अता पता नहीं चल पाया। गुरुवार की दोपहर बाद उन लोगों को सूचना मिली कि जख बाबा स्थान के पास दो बच्चों का शव बरामद हुआ है। फिर उन लोगों ने नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में जाकर देखा तो मरने वाले बच्चे लक्ष्मी और हिमांशु ही थे। हिमांशु के परिजनों ने कहा कि उसकी नानी वीणा देवी और मामा नीरज कुमार नौगछिया के प्रोफेसर कॉलोनी में एक भाड़े के मकान में रहते हैं। हिमांशु 8 दिन पहले ही अपने नानी के पास आया था। इधर लक्ष्मी की मां कारी देवी अपने बच्चों के साथ प्रोफेसर कॉलोनी में ही रहती है। दोनों बच्चों की मौत के बाद परिजन गहरे सदमे में हैं। इधर नौगछिया रेल पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। नौगछिया प्रोफेसर कॉलोनी के लोगों ने प्रशासनिक पदाधिकारियों और सरकार से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। नौगछिया सड़क किनारे गिरा था तार, कीचड़ में सड़क में प्रभावित हो रही थी बिजली, करंट की चपेट में आने से युवक की गई जान। नौगछिया थाना क्षेत्र के मिल्की गौशाला निवासी नीरो मंडल के 20 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार की मौत बिजली के करंट के लगने से हो गई। करंट लगने से युवक की मौत हो जाने के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना नौगछिया पुलिस को दी। सूचना मिलने पर नौगछिया पुलिस स्थल पर पहुंची, जहां पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि मिल्की गौशाला स्थित घर जाने वाला रास्ता भी कच्ची सड़क है। बारिश होने के कारण वहां जल जमा हो गया है और कीचड़मय सड़क है। उक्त सड़क में ही बिजली का तार गिर गया था, जिसके कारण कीचड़ में करंट प्रभावित हो रही थी। गुरुवार को अंकित उसी होकर घर जा रहा था, जिस कारण वह जमीन में प्रभावित हो रहे करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी जान चली गई। परिजनों ने बताया कि युवक के पिता नीरो मंडल मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में बिजली का काम करते हैं। युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। युवक अपने दो भाइयों में छोटा था। वह जीबी कॉलेज नौगछिया में बीए पार्ट 1 का छात्र था। नवगछिया के डेंटिस्ट की मोबाइल चोरी, सीसीटीवी में कैद हुआ चोर। नौगछिया बाजार के एचडीएफसी बैंक के समीप डेंटिस्ट डॉक्टर राहुल झा की मोबाइल चोरी हो गई। चोर सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट आ गया है। चिकित्सक ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। नारायणपुर, पति पत्नी के विवाद में गंगा नदी में डूबने से पुलिस ने पत्नी को बचाया। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के बलहा गांव में पति पत्नी के विवाद में पत्नी द्वारा जहाजघाट नारायणपुर के गंगा नदी में डूब रहे महिला को भवानीपुर पुलिस द्वारा बचाने का मामला प्रकाश में आया है। थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि गंगा जहाजघाट में गुरुवार की संध्या बलहा गांव के दंपति रणवीर शर्मा के परिवार में पति पत्नी के बीच विवाद होने पर आवेश में पत्नी द्वारा गंगा में डूब कर जान देने का प्रयास किया गया, लेकिन वहां मौजूद लोगों द्वारा हल्ला कर उसे बचाया गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची भवानीपुर पुलिस एवं डीएपी जवान की मदद से महिला को समझाकर थाना परिसर लाया गया, जहां पति समेत अन्य परिजनों के बीच समझौता किया गया और बॉन्ड भरकर जान देने वाली महिला को परिजनों को सौंप दिया गया। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा।
पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NSC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTech, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौगढ़िया, 9534338689, 7856914231, 6206224713। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा कुर्सी टेबल डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध है। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079, 7549688888। उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। ढोलबजा में 4 लाख के जेवरात उड़ा ले गई महिला ठग गिरोह। बीते बुधवार को ढोलबजा के धोवनिया बासा में एक महिला ठग गिरोह ने वहां के दर्जनों महिलाओं को अपने झांसे में लेकर करीब 3 लाख रुपए के सोना चांदी की जेवरात उड़ा ले गए। ग्रामीणों ने बताया कि ठगी करने आई महिला पहले नया बर्तन दिखा के गांव की महिलाओं से पुराना बर्तन बदलने का काम किया। इसके बाद वहां के महिलाओं से 10 ग्राम सोने चांदी देने पर 2 दिन बाद दुगुना सोना चांदी देने की बात कही, लेकिन इससे पहले ठगी करने आई महिला ने उस चांदी सोने के आभूषण को नौगछिया बाजार से जाँच करा फिर वापस देने की बात कहकर गाँव की दर्जनों महिलाओं की जेवरात लेकर चली गई। जाने के बाद ठगिरोह कि उस महिला से जब गांव के लोगों ने संपर्क करने का प्रयास किया तो उस ठग महिला का संपर्क नंबर बंद हो गया, किसी तरह से भी उसके अता पता नहीं चलने लगा। इस तरह ठगी का शिकार होने की बात जब धोवनिया बसा की महिलाओं को पता चला तो वे अपनी छाती पीट रही हैं। वहां की महिलाएं गहरे सदमे में आ गई हैं। यही हाल बुधवार को खैरपुर कदवा व खलीफा टोला में भी हुआ है, जहां से करीब 1 लाख रुपए की जेवरात वहां की महिलाओं से महिला ठग गिरोह ने चंपत कर ले गए। ढोलबजा में उड़न दस्ता दंडाधिकारी ने एक बोतल शराब के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बुधवार की शाम ढोलबजा के पंचायत भवन चौक समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाकर उड़न दस्ता दंडाधिकारी ने एक बाइक पर सवार 2 युवकों को एक बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ढोलबजा थाना अध्यक्ष लक्ष्मण राम ने बताया कि गिरफ्तार युवक पूर्णिया जिले के रुपौली प्रखंड अंतर्गत मोहनपुर थाना क्षेत्र के अंजरी गांव निवासी फकीर यादव के बेटे दिलीप यादव व करीम अली के बेटे मोहम्मद रसीफ हैं। नवगछिया में हत्या की प्राथमिकी दर्ज। नवगछिया रेलवे बिजली ग्रिड के समीप रेल पटरी पर से बुधवार को भवानीपुर निवासी छात्र का बरामद हुए सब मामले में GRP थाने में मृतक के चाचा मिथुन पंडित के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें गांव के ही बुट्टन शाह की पत्नी पर हत्या करने का आशंका जताया है। नवगछिया, शराब पीते हुए 2 दबोचे गए, 750 ml शराब बरामद, मोटरसाइकिल जब्त। ढोलबजा थाना क्षेत्र के पंचायत भवन चौक के पास मुख्य सड़क से शराब के नशे में पूर्णिया जिले के रुपौली थाना क्षेत्र के काच गांव के दिलीप यादव और मोहम्मद शरीफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 750 ml का एक विदेशी शराब का बोतल भी बरामद किया है और दोनों की मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है। नवगछिया, शराब के नशे में उत्पात मचा रहे युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के मेघन टोला में शराब के नशे में उत्पात मचा रहे मेघन टोला निवासी मनोहर पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नवगछिया, हत्या के प्रयास मामले में आरोपी धराया। नवगछिया परवत्ता पुलिस ने हत्या के प्रयास मामले में फरार चल रहे आरोपी साहू परवत्ता निवासी रामचंद्र पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। नवगछिया, पॉक्सो एक्ट के आरोपी को किया गिरफ्तार। नवगछिया महिला थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी खरी के अंभो गांव निवासी बिलास सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। शराब पीने के आरोप में एक गिरफ्तार। कदवा ओपी पुलिस ने शराब पीने के मामले में आरोपी परासपुर कदवा निवासी बालमुकुंद मंडल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। 9.5 लीटर देसी शराब और 10 लीटर विदेशी शराब के साथ पुलिस ने शराब कारोबारी को किया गिरफ्तार। रंगरा और गोपालपुर पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर रंगरा के भवानीपुर गांव से 9.5 लीटर देसी शराब और 10 लीटर विदेशी शराब के साथ पुलिस ने शराब कारोबारी भवानीपुर निवासी विकास यादव को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी मिली है कि भवानीपुर गांव में और भी शराब कारोबारी इस धंधे में शामिल हैं। नारायणपुर में स्कॉर्पियो से 4,15,000 बरामद। स्कॉर्पियो
में सवार दो व्यक्ति शराब के नशे में पाए गए। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के NH31 नारायणपुर चौक पर गुरुवार की रात्रि विधानसभा चुनाव को लेकर वाहन जांच अभियान के तहत भवानीपुर पुलिस ने BSF जवान की मदद से विद्युत विभाग खगड़िया साइन बोर्ड लगी खगड़िया से वेस्ट बंगाल जा रही सफेद रंग की स्कॉर्पियो BR-10PB-4360 पर सवार खगड़िया जिले के जयप्रकाश नगर निवासी शुभेक्षु आनंद, मालगोदाम निवासी प्रतीक कुमार, महुआ निवासी राहुल कुमार व खगड़िया के बादल कुमार को हिरासत में ले लिया है। वहीं वाहन जांच के दौरान स्कॉर्पियो से 4,15,000 रुपए समेत आधा बोतल शराब बरामद किया गया है। हिरासत में लिए गए चारों लोगों को भवानीपुर पुलिस ने PSC नारायणपुर में स्वास्थ्य जांच कराया है। जांच के दौरान PSC के चिकित्सकों द्वारा शुभेंदु व बादल कुमार को नशे में होने की पुष्टि की गई है। आशय की जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि स्कॉर्पियो पर सहायक विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल खगड़िया का साइन बोर्ड लगा हुआ था। साइन बोर्ड के मामले में जाँच पड़ताल किया जा रहा है। मामले में खगड़िया पुलिस की मदद से आगे का जांच पड़ताल हेतु पुलिस जुटी हुई है। नारायणपुर सेविका ने मतदाताओं को किया जागरूक। नारायणपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायत के विभिन्न गांव में गुरुवार को सेविका संघ द्वारा टोली बनाकर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनसंपर्क कर मेहंदी रंगोली गोद भराई का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक कर उनके वोट के महत्व को बताया गया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी के साथ साथ मास्क भी अनिवार्य बताया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ICDS की LS रूबी कुमारी कर रही थी। नारायणपुर अर्धसैनिक बलों ने किया फ्लैग मार्च। नारायणपुर भवानीपुर थाना क्षेत्र के NH31 बलहा पेट्रोल पंप से गुरुवार को थानाध्यक्ष नीरज कुमार की अध्यक्षता में अर्धसैनिक बलों ने सहायक अवर निरीक्षक अनिल रविदास के साथ बिरबन्ना नगरपारा भवानीपुर भोजूटोल मनोहरपुर कुसाहा रायपुर असाटोल पहाड़पुर में फ्लैग मार्च कर आम लोगों के बीच अपने मत का उपयोग बिना किसी दबाव में आत्मविश्वास के साथ करने की अपील की। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड रेडियम बोर्ड नेम प्लेट नंबर प्लेट ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट गौशाला रोड पुरानी गैस ऑफिस के सामने नवगछिया। मोबाइल 72-95-830-773 93-043-67-170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई फर्स्ट फ्लोर ऑटो स्टैंड नवगछिया NH31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन के सामने नवगछिया। अब पैसा नहीं है बाधा बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन ऑल इंडिया NSC ए ग्रेड MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक BTech BCA MCA BBA MBA होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA BSc BCom MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नवगछिया 9534338689 7856914231 6206224713।